हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं जरी रिएक्शन। सो गाइस, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि भाई हर जगह आईपीएल का फीवर भाई बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। भाई लॉकडाउन के बाद कोई सी ऐसी चीज़ है जो भाई आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली थी, तो वो आईपीएल था। हर तरफ भाई आईपीएल का भाई इंतज़ार था, और उसके अंदर जो एड्स आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो बहुत ही अतरंगी होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है भाई सिली पॉइंट वालों ने, और बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो बनाई है। और इसका टाइटल है बिहाइंड द सीन्स रियलिटी ऑफ क्रिकेट आईपीएल एड्स। सो पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। इतने सालों की मेहनत, प्रैक्टिस, ओ पसीना और ऑक्शन में सब्जी की तरह बिक के फाइनली आईपीएल आ चुका था। सही बात है, बहुत वेट करना पड़ा। अरे सर, पहले आप कमर तो मटकाइए, चल अंकल स्टाइल, कम ऑन। दन दन, मुझे ये सब नहीं आता, करना पड़ेगा। हो गया हो तो प्रैक्टिस, हाँ कोने में जाके ठुमको की प्रैक्टिस करो चुपचाप। जब रेमो डिसूजा से हेलीकॉप्टर शॉट और गुगली नहीं डलवाते तो इनसे ये स्टंट्स क्यों? बेचारे इनको बॉलिंग एक्शन से स्टेप बनाना पड़ रहा है। राइट आर्म ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन। इस बार प्लेयर्स का डांस कम रखा है, बट चहल भाई की रीसेंट खुशखबरी की खुशी 2 सेकंड में दिख गई। मेरी शादी होने वाली है, बड़ा दिन मेरा। हर साल जब तक ये धन धनाधन सहना सीखो, एक नया जहर आ जाता है। बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। सनफीस्ट बाउंस, अंदर का बच्चा बाहर लाओ। तो प्रेग्नेंट औरतों को बस यही दे दो फिर, इतना ऑपरेशन सब क्यों कराना जब यहाँ 5 रुपए में बच्चा आउट। अंदर का बच्चा बाहर लाओ। अबे मेरा, फेंक दे बिस्किट, मेरे को नहीं चाहिए, फेंक दे। और जब अक्षय कुमार के 50 एड्स से ब्रेक मिले तो थोड़ा आईपीएल और 2 ड्रीम 11 के एड्स आ जाते हैं, जहाँ वो ना खेलो तो घर में ताला तोड़ के घुस जाते हैं प्लेयर्स। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। बना लेंगे भाई, मैं कर लेता हूँ, मुझे भी टीम बनानी है। मम्मी विराट कोहली आए क्या? नहीं राजा बेटा, खुद छीलना पड़ेगा, विराट से छिलवाएगा, चल। और अब तो ताने सुने बिना आप आईपीएल भी नहीं देख सकते। अब व्हाइट हैट जूनियर पर इंडिया का हर बच्चा ऑनलाइन कोडिंग सीखेगा और ऐप बनाएगा। बच्चे ने वही बस कमाया है लॉकडाउन में। और तुमसे मैगी तक नहीं बताई, पर वाला बच्चा को खुद का धोना भी नहीं आता होगा। बच गया। पान मसाला वाले अभी भी शोर मचा रहे, पर ओवरऑल वर्ल्ड कप से तो बहुत ही बेटर है इस बार के एड। बट आईपीएल वाईपीएल सब नकली, दोस्त का हॉटस्टार मेंबरशिप, पापा का टीवी सब जला दो, क्योंकि असली तो सब यूट्यूब पे है, जहाँ फोटोशॉप क्रिकेट और बेरोजगारी का ऐसा घिनौना कोलैब चल रहा है कि फोटोशॉप वाले भी सोच रहे हैं काश हम चाइनीज होते और इंडिया हमें बैन कर देता। रन आउट के लिए दूसरे प्लेयर पे तशरीफ का टोकरा रख दिया, ये कब हुआ? खुद को ही बैन कर देते हैं। कोई बताएगा क्रिकेट में पकड़ा पकड़ी का बैड हुआ? ये अंपायर तो गोवा में है, मजे ले रही है। अबे ये तो गली क्रिकेट में भी इलीगल है। घोस्ट मोमेंट्स इन क्रिकेट, ये कब हो गया भाई? दादा ये डर गया। ये भटकती क्रिकेट की प्यासी आत्मा को क्या जिंदगी में कोई टिकट नहीं मिली थी? जो अब पिच पे आके देख रही है हर मैच, असली भूत। जाके मिड ऑफ पे खड़ी हो जा, धोनी भाई से बनगा। अबे इससे ज्यादा भूत तो मैं लगती हूँ सुबह सुबह। ये कहाँ से घोस्ट मोमेंट निकल रहा है भाई? ये साइड में खुश हो रहा है कि ओ भूत आया, पैंट में भूत आया। दादा ने मैच में अपनी शर्ट उतारी थी, पर यहाँ से भूत तो कभी नहीं निकाला। गवारो, लेजेंड्स की इज्जत कर लो थोड़ी, ऑडियंस की तो है नहीं, हमारी है नहीं। एमएस धोनी गंजे है, किसके बाल असली किसके नकली, ये भी बहुत सही टॉपिक है। इनका तो पता नहीं, लेकिन हम फिलहाल यूज कर रहे हैं वाओ की एप्पल साइडर रेंज। इसमें प्योर एप्पल साइडर विनेगर जैसे हाई फाई चीजें, जो आपके स्कैल्प को क्लैरिफाई और हेयर को सॉफ्ट भी बनाएगा, ताकि आप ये स्टड गिरी कर सको। इस हेयर मास्क को मस्त 15-20 मिनट लगाओ, स्कैल्प मसाजर से बढ़िया मसाज करो और फिर उसको वॉश करो। एंड आपको पता ही है वाओ के प्रोडक्ट्स में कोई भी मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, पैराबेंस जैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब सेफ। भूत क्या, कुत्तों को भी सारी बकलोली क्रिकेटर्स के साथ ही करनी है। विराट को दौड़ा दिया, कीपर का हाथ काट लिया, और ये लाल क्या है, खून की उल्टी की है, गुटका ही फूंक दिया ईशांत पे। जैसे बॉलर्स बॉल नहीं पेडिग्री फेंकते हैं, इनके हिसाब से असली मैन वर्सेस वाइफ क्रिकेट में हो रहा है, जहाँ प्लेयर को प्रणाम करने मगरमच्छ फैंस आ रहे हैं। और ये कहाँ से आ गया भाई? मुझे खा ले आके। भाई बता रहा हूँ, घर में घुस के पीसी में वायरस डालूंगा।
हमें लगता था आलिया सड़क पे सुसु ही क्लिकबेट की लिमिट थी, बट क्लियरली हमने इंसान के गोबर बनाने की ताकत को अंडरएस्टिमेट किया। एक और ताजा शेर कहां से आ गया? मैं स्क्रीन ही तोड़ दूंगा वरना मेरी आंखें टूट जाएंगी। क्या ये सारे एनिमल्स की हॉबी क्रिकेट ही है? कौन से बकलोल मान रहे हैं सब, जबकि एक मिलियन लोग मान गए। आरसीबी के जीतने से ज्यादा लोगों को ये सब में विश्वास है। फटाफट थंबनेल बना जिसमें चार किंग कॉन्ग, दो डायनासोर मेरे शरीर पे। ओहो बन गया, बन गया यूट्यूबर। अरे बन गया यूट्यूबर, वो बन गया 10 मिलियन दोबारों के व्यूज। अबे शेर आया है और ये फुल कीपिंग में लगा हुआ है। हाँ, मैच के बाद पान परा कैच अवार्ड भी तो जीतना है। ओह व्हाट अ सुस्ती में मस्ती शॉट। ओह जब बैट्समैन को एक पिच पसंद हो और बॉलर को दूसरी। अब असल में क्रिकेट है जेंटलमैन्स गेम, बट यूट्यूबर्स ने इसे गुंडा गेम, गैंग्स ऑफ वानखेड़े बना दिए। फिर अंपायर को बीच में लिटा के अब यहाँ विराट क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं, मुक्का जड़ रहे हैं अफरीदी को, इमरान ताहिर को भी। चाकू हाँ, इनके किट बैग में ईट, पत्थर, तलवार, कट्टा, यही सब तो रहता है। आज विकेट ना मिले साले मेरे पे केचप लगाएगा मादर। अब इससे 21 और इससे 13 मिलियन व्यूज आ गए, तो इससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्या करें। धोनी से लड़वा देते हैं। ओ लड़वा दिया। मैंने एक हेलीकॉप्टर चप्पल मारनी है। मैं जा रहा हूँ। हेलो एनसीबी, बॉलीवुड का हो गया हो तो ये थंबनेल वालों को भी जरा चेक कर लीजिए। सही। अबे अगर ऐसा आतंकी माहौल हो ना हर मैच में। That's beautiful. So you have chosen death. मैंने चाकू भी सॉरी गोली मार दिया। मारा इसको लगा चाकू। गलती से मार दिया, मैं लेके आता हूँ, नहीं खेलूंगा अच्छा आपसे। Yes, आउट है, मैं आउट हूँ, मैं जिंदा घर जाऊंगा। अरे शिट, मैं डेब्यू पे रिटायर हो ना, मुझे नहीं खेलना। कभी सोचा है ये सब देख के स्टेडियम के सिक्योरिटी वालों पे क्या बीतती होगी? स्टेडियम में बंदूक, छुरा, हम लोगों की चड्डी तक चेक करते हैं, और ये खुद को कटरीना के साथ हनीमून एडिट बनाने वाले अब हमें बदनाम करेंगे। अब ये सही है पोस्ट मैच पिछवाड़ा प्रेजेंटेशन। बचाओ, बहुत मारते हैं इंडियन। हाँ बॉल खो गई तो एक दूसरे को ही पीट लेते हैं प्लेयर्स। बहुत मारती है गौतमी। टॉप 10 लकीएस्ट मोमेंट्स इन क्रिकेट। ये कौन सा लकी मोमेंट है भाई? पिच पे मोटा सांड आने से ज्यादा लकी है ही क्या जीवन में? बस कुछ प्लेयर्स के पीछे सींग घुसा दे और लक ही लक। अरे इनके जानलेवा लकी मोमेंट्स नहीं खत्म हो रहे, कभी सांड, कभी प्लेन, कभी हेलीकॉप्टर। ये कब हुआ यार, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। प्लीज इधर जादू, मेरे मुंह पे स्पेसशिप उतार दे लकी मोमेंट प्लीज दोस्त। नहीं नहीं सांड वाला लक नहीं चाहिए। बेस्ट स्विंग एंड स्पिन बोलिंग। क्या मैकडॉनल्ड्स? अबे ये पेपर प्लेन फेंक रहा है क्या, वो भी इतना नहीं घूमता हवा में। इनसेन स्पिन। वाओ क्या नागिन डिलीवरी। कुछ भी लाइन बना देते हैं जैसे बॉल तो पता नहीं। इनका क्रिकेट ऐसे चल रहा है। आइए आके बॉल उठा, तूने मारी है तू ही उठाएगा। इमेजिन कोई प्लेयर अपने फैन कंपाइलेशन देखना है और उसे ये सब दिखे। धोनी सर को तो कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट को यहाँ लोग लिखते हैं। सैड न्यूज, एमएस धोनी इज रिटार्डेड। एमएस धोनी रिटार्डेड सैड स्टेटस। एमएस धोनी रिटायर्ड। एमएस धोनी रिटार्डेड मेंट। इस दिवाली इन्हें ढेर सारी खुशियाँ और डिक्शनरीज मिले। So that is it for today guys. अगर आपके घर में भी सांड नहीं घुसाते तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो स्ले पॉइंट को, और वाव के प्रोडक्ट्स चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय वाव ऐप से भी बाय कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूज कोड स्ले पॉइंट 20 फॉर फ्लैट 20% ऑफ एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सो गाइज जबरदस्त वीडियो थी, बहुत ही इंटरटेनमेंट पर्पज के साथ जो वीडियो बनाई, मजा आ गया। स्ले पॉइंट वाले मतलब बहुत ही जबरदस्त, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और इन्होंने ही भाई अब तक जो दो ट्रेंडिंग टॉपिक बनाए थे
वो विनोद जो ट्रेंडिंग टॉपिक था ये इन्होंने ही बनाया था, इनकी ही कमेंट से निकला था वो जादू और सब जगह फैल गया था। तो बहुत ही गजब तरीके से ये वीडियो बनाई और मुझे बहुत मज़ा आया जब भी, क्योंकि इनका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जो वीडियो को बताने का तरीका, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये भाई साथ ही साथ इसके अंदर जो वीडियो के अंदर जो क्रिएटिविटी करते हैं, अपने आप में जो चीज़ें करते हैं, वो बहुत ही गजब होती है। और बात करी जाए भाई IPL के मैच की, तो बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहे हैं और जो टाइटल है वो भी बहुत अंदर आ रहे हैं, और उसके बीच में जो टाइटल आ रहे हैं एक दो, जो वो बच्चे ने भाई ऐप बना दिया वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और जो ये थंबनेल बनाए गए हैं भाई माशाल्लाह, इतने ख़तरनाक थंबनेल बनाए गए, मतलब अपन ने आज तक मतलब ऐसा मैचों में देखा नहीं है कि कभी शेर आ गया है या कोई प्लेन क्रैश होकर अंदर गिर गया है या फिर ऐसी फाइटिंग हो रही हो चाकू से भाई, मतलब चाकू गन सब कुछ आ गई। वो भाई आई थिंक मैंने तो आज तक नहीं देखा, बट थंबनेल बहुत ज़बरदस्त बनाया जो कि बहुत ही आला दर्जे के, और पब्लिक ने मतलब उस चक्कर में वीडियो देखी और बहुत ज़्यादा व्यू आए, तो इनके भी व्यू आना बनते हैं। सो गाइज ओवरऑल वीडियो बहुत शानदार थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।